बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सुमैरा उस्मान कुकिंग चैनल में आपको करती हूँ वेलकम। आज की रेसिपी मेरी है चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने में बहुत आसान है और खाने में मज़ेदार है। चले आए हम शुरू करते हैं कि आज हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे चिकन, हाफ के जी चिकन है वो मैंने ले ली है। साथ हम डाल देंगे इसमें एक कप पानी, पानी डालेंगे। साथ हम डाल देंगे लहसुन, इसमें अदरक नहीं जाएगा। अदरक डाल दिया मैंने और साथ में हम डाल देंगे एक चम्मच नमक। बस इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढाम के रख देंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। लहसुन डाल दिया, नमक डाल दिया और हम डाल देंगे इसमें एक दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई। ये हमने प्याज डाल दी और प्याज डाल के हम लोग इसको ढांप देंगे ताकि हमारा प्याज और चिकन अच्छे से गल सके। ये देखिए जी, चिकन हमारा गल चुका है। जो चिकन और प्याज हमने रखा था वो हमारा गल चुका है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्याज गला है। ये देखिए अब हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने कम से कम एक कप डालना क्योंकि इसमें अच्छा लगता है कुकिंग ऑयल ज़्यादा। ये देखें और साथ में हमने डालना है इसमें अब मसाले। मसाले हमारे जाएंगे आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, एक चम्मच सफ़ेद मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। इसको डाल के हम अच्छे से हिलाएंगे। इसमें वाइट पेपर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये देखिए मसाले हमने डाल चुके हैं और अब हमने इसमें डालना है एक कप के बराबर दही। अच्छे से मैंने छान ली है। ये देखिए ये दही हमने डाल लिया और इसको हम रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे। ये देखिए जी, दही लगा के हमने दही डाल के हमने दम पे रखा था तो वो अब हमारे देखिए दही का पानी काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है। ज़्यादा नहीं हमने खुशक करना। अब हमने डालना है फूटा हुआ जीरा, साथ थोड़ी सी मैं लूँगी अदरक। अदरक मैंने इस स्लाइस में काटी और साथ ये थोड़ी सी मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी मैंने ऐसी काटी हैं और अब हम इसे फिर 2 मिनट के लिए लगा देंगे दम पे। ये देखें जी, ये अब हमने इसमें डाला था कुटा हुआ जीरा, हरी मिर्चें और अदरक डाला था। ये हमारा दम पे हो चुका है। ये देखें घी भी अलग हो गया, हमारे मसाले भी सारे अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे डालनी है बिल्कुल फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम हम डालेंगे एक कप मैंने फ्रेश क्रीम का लिया वो डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हम लोगों ने। ये देखिए ये देखिए फ्रेश क्रीम हमने डाल दी और हम अब थोड़ा सा इस पर हरा धनिया डाल के तो इसको लगा देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए दम, हल्की सी आंच पे। जी 1 मिनट हमारा हो चुका है दम दिए हुए। अब हम दम को ये देखिए दम हमारा अलहमदिल्ला कितना प्यारा आ गया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार, चिकन वाइट कढ़ाई है। ये बनाने में बहुत आसान और खाने में मज़ेदार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।